2024 में अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ काम करके साइड हसल करके अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको पांच ऐसे स्किल्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके, इसको सीख कर आप 2024 में अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं या बढ़ते इन्फ्लेमेशन के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट, दोनों एक ही नाम है। उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि किसी इंडिविजुअल को जिसको टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, या किसी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, कंसल्ट करना किस चीज़ के बारे में, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग उसको कंसल्ट करना। आपको वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और उसको अगर सीखने के बाद आप जो कंपनियाँ उस चीज़ को यूज़ कर रही हैं और वहाँ पे उनके पास बंदा नहीं है, एम्प्लॉय नहीं हैंडल करने के लिए उन चीज़ों को, तो आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं पार्ट टाइम में भी, फुल टाइम में भी, उसको कंसल्ट हो सकते हैं। अगर दूसरा है डिवाइस रिपेयर सर्विस, अगर आप हार्डवेयर से थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है हार्डवेयर में काम करना, तो आप लैपटॉप या आप इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फ़ोन्स इसका रिपेयर का काम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखो बहुत सारे महंगे महंगे फ़ोन हैं, महंगे लैपटॉप्स भी हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि बंदा कुछ ख़राब होने पर नया ही खरीदे ना, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि पुराने वाले ठीक करवा ली जाए। तो ये तीसरा है वेबसाइट एंड ऐप टेस्टिंग। क्या होता है कि कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल बंदा अपनी ऐप बनाता है या वेबसाइट बनाता है तो खुद से टेस्ट नहीं करना चाहता, वो किसी थर्ड पार्टी को बंदे को देते टेस्ट करने के लिए। तो आप उनकी वेबसाइट टेस्ट करके उनको फीडबैक दे सकते हैं, उनकी ऐप टेस्ट करके उनको फीडबैक दे सकते हैं। तो ये क्या होता है कि उनको एक थर्ड पार्टी से एक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट उनको फीडबैक मिल जाता है, फिर वो उनकी अपनी वेबसाइट को या ऐप को ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाते हैं। तो ये इसमें बेटर, इसमें एक ऑप्शन, ये बेटर ऑप्शन इसलिए भी यही है क्योंकि इसमें आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ साइड हसल है कि आप किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करें। कोई कंपनी है, कोई थोड़ा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना, और या किसी भी नए ब्रांड कोई कोशिश कर रहा है, या ऑलरेडी अगर काफ़ी आपने काफ़ी काम सीख लिया है तो उसका डिजिटल ब्रांड उसको आप मैनेज करें, उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज करें, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, वो आपको वीडियो देंगे और आपको मैनेज करना है, जैसे PR एजेंसीज होती है सेलिब्रिटीज़ के लिए ना, वैसे ही उनको आपके उनको उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करना होता है। उसको आपको एक बार सीखना पड़ेगा, साल 6 महीना साल में जैसे आप सीखते रहेंगे आपकी एक्सपर्टाइज उसके अंदर होती रहेगी और आप अपने अच्छे से क्लाइंट ले सकते हैं या आप, और उसमें काफ़ी पैसा भी है। और अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज रखते हैं टेक्नोलॉजी में लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो पाँचों आप ही के लिए डेटा एंट्री एंड एनालिसिस। तो क्या है कि जैसे आप सब कुछ ऑनलाइन है जा रहा है, जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं है, जो चीज़ें जो कंपनी अभी भी ऑफलाइन काम कर रही है वो ऑनलाइन जाना चाह रही है, तो उनका डेटा होता है, वो आपको ऑनलाइन आपको आपका सिस्टम दे देंगे, आपको कंप्यूटर दे देंगे, सॉफ्टवेयर दे देंगे, उसके अंदर फीड करना होता है, फिर उसको एनालाइज करके डेटा मॉडलिंग बोलते हैं उसको, फैंसी टर्म है लेकिन है वही ना, डेटा रिपोर्ट निकाल के एक्सेल वगैरह में बनाना होता है, आपको एक्सेल सीखनी पड़ेगी और डेटा एंट्री करना तो बहुत ईजी काम है, उसको बस ये कि फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज जिसको नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी एजुकेशन की जरूरत नहीं है।